इमेजिन करो एक ऐसी कैंपिंग जहाँ पीसफुल लेक, टेंट, फ्रेश एयर, रात को बॉनफायर एंड ऊपर चमकते सितारे। ये प्लेस सिर्फ एक ट्रिप नहीं, एक पूरा एक्सपीरियंस है। भंडारदरा लेक, जो कि लेक ऑथर के नाम से भी जाना जाता है, महाराष्ट्र के अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। भंडारदरा इज इजीली एक्सेसिबल बाय रोड फ्रॉम मुंबई, विच इज अराउंड 185 किलोमीटर एंड फ्रॉम पुणे से अप्रॉक्स 175 किलोमीटर की दूरी पे है। अगर आपको बाय ट्रेन से जाना है तो आप इगतपुरी स्टेशन से टैक्सी या प्राइवेट व्हीकल हायर करके भंडारदरा पहुँच सकते हैं। यहाँ आपको एंट्री फीस लगता है जो कि यहाँ बोर्ड पे मेंशन है। नमस्ते गाइस, मैं हूँ बंजारन रवीना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंजारन रवीना। एंड मैं आई हूँ इस बार एक्सप्लोर करने सह्याद्री रेंज में भंडारदरा लेक। अब देख सकते हैं मेरे पीछे कितनी ब्यूटीफुल लेक और बड़ी लेक है। एंड ये लेक के साइड में हम लोग करने वाले हैं कैंपिंग, जिसमें बहुत ही मज़ा आने वाला है। एंड अभी शाम के बज रहे हैं 4 o'clock, हम लोग पहुँचे हैं मुंबई से ड्राइव करके थ्रू हार्डली कितना 6 आवर के ड्यूरेशन में हम लोग पहुँचे हैं फन मज़ा मस्ती लंच करके। तो अभी हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं एंड यहाँ पे हम लोगों ने पीछे अपनी गाड़ी पार्क की है एंड यहाँ पे आपको पार्किंग मिल जाती है विथ सेफली। एंड वहाँ से हम लोगों को अभी ये जो नीचे का डायरेक्शन है वहाँ पे जाना है, थोड़ा ट्रेल है और वहाँ पे गाड़ी नहीं जा सकती अनफॉर्चुनेटली। एंड वहाँ पे हम लोग करने वाले हैं कैंपिंग एंड होपफुली स्टार गेजिंग आल्सो, सो लेट्स एक्सप्लोर विद मी। अब देख सकते हो मेरे पीछे एक टेंट लगे हुए है, बस वहीं पे जाना है लेक के पास और कैंपिंग करना है। एंड आप पैच भी देख सकते हो कितना रफ पैच है, इस पैच में गाड़ी लाना तो मुश्किल है अगर आप टफ ड्राइवर हो और आपके पास थोड़ी हेवी व्हीकल है, सो यू कैन यस आप वो ऑफ रोडिंग कर सकते हो, बट हमारे पास अनफॉर्चुनेटली अभी वो नहीं है, सो वी आर ऑन ओन एडवेंचर राइड। देख सकते हो मेरे हाथ में स्लीपिंग बैग भी है, मैं फुल एडवेंचर वाइड मूड में आई हूँ, फुल रेडी होके देन हम लोग बहुत ही ज्यादा फन करने वाले हैं। तो फाइनली 10 मिनट्स के ट्रेक के बाद हम पहुंच जाते हैं कि खूबसूरत से भंडारदरा लेक के पास। ये है हमारे टेंट्स एंड यहाँ पे लगने वाला है बॉनफायर। सर्दी के मौसम में बॉनफायर मस्ट है एंड अभी हम बढ़ते हैं लेक की ओर। सो यहाँ से दिखेगा बहुत ही खूबसूरत सा लेक व्यू। Oh my God, this is lake. Wow, such a peaceful place. Wow, this is called beauty, real beauty. ब्यूटीफुल, सो पीसफुल। एंड यहाँ पे स्पेशल बात क्या है ना कि हम लोगों ने जो कैंप साइट चूज किया है वहाँ पे हम लोग ही है, जो हमारा ग्रुप है 4 to 5 पीपल्स का वही है। तो हम लोग को जो अदर लेक साइड जो क्राउड मिलता है या कैंप के लोग रहते हैं वो नहीं है, तो इसमें और भी मुझे फन एंड एडवेंचर लग रहा है, काफी पीसफुल है। एंड सी आप देख ही सकते हो कितना ब्यूटीफुल है। बहुत ठंडा पानी है बट आई विल ट्राई डेफिनेटली। 1, 2, 3 वेट आई एम ट्राइंग। 1, 2, 3
जैसे ही सूरज ढलता है वैसे ही कड़क ठंडी लगने लगती है, मस्त प्लीजेंट मौसम हो जाता है एंड नाइट में ऐसे कुछ दिख रहा है हमारा टेंट एंड एम्बियंस। यहाँ हम बॉनफायर का मजा ले रहे हैं। आज फुल मून है जिसकी रोशनी से आसमान और भी जगमगा उठा है। यहाँ साउंड स्पीकर भी है बट इस नेचर को फील करने में हम व्यस्त हैं। तो अभी हम लोग बना रहे हैं पनीर टिक्का बारबेक्यू। ये हमारी जाली है, जाली में अभी हम लोग डाल रहे हैं, फिर हम लोग इसमें भूजेंगे ना, इसमें क्या करेंगे, बारबेक्यू करेंगे इसको, पनीर को। पनीर गिर गया मेरा, पनीर एंड पोटैटो बारबेक्यू। चांदनी रात में हम लोग कर रहे हैं गर्मा गर्म डिनर बॉन फायर। काफ़ी ज़्यादा ठंड है और गर्मा गर्म डिलीशियस खाना खाने में जो मज़ा है। सो आज के मेरे डिनर में है बैगन का भरता, गोभी की भाजी, पत्ता गोभी जो रहती है उसकी सब्जी है, एंड स्वीट में है खीर, सेवई एंड पापड़, सलाद एंड ये है रोटी। चलो लेट्स टेस्ट इट। वेरी डिलीशियस। हाँ, ठंडे ठंडे मौसम में गर्मा गर्म खाने का अलग ही नेक्स्ट लेवल मजा है। वाओ, माय फेवरेट। इट्स रियली यम्मी। क्या मोमेंट है, सुबह का सूरज, लेक के ऊपर चमकती रोशनी, जैसे नेचर ने एक कैनवास पेंट किया हो। गुड मॉर्निंग गाइस, आप मेरे पीछे देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल सनराइज हो रहा है। वाओ, सो ये है पहाड़ों वाली मॉर्निंग। देख सकते हो जो बचपन में हम लोग पेंटिंग करते थे वैसे ही कुछ नजारा नहीं लग रहा, पहाड़ों से उभरता हुआ सूरज कितना खूबसूरत और कितना प्यारा लगता है। और ये बस यहाँ पहाड़ों में आके ही आप महसूस कर सकते हो थोड़ी सी वेंट के साथ। व्हाट अ प्लीजेंट फीलिंग।
कैंपिंग के साथ बोटिंग, फिशिंग एंड जिपलाइन जैसे एक्टिविटीज भी होती है। इतना ही नहीं, यहाँ महाराष्ट्र के हाईएस्ट पिक कलसुबाई, सादर वैली, हरिश्चंद्रगढ़ जैसे माउंटेन्स पे ट्रेकिंग भी कर सकते हैं। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में है गर्मा गर्म पोहा एंड गर्मा गर्म डिलीशियस टी। तो लेट्स हैव फर्स्ट टी ठंडे ठंडे मौसम में। चाय बहुत बढ़िया है। क्या डगला? अदरक, अदरक का टेस्ट है एंड गवती चाय। ओके नाइस। नाउ आई एम हैविंग पोहा जो कि ब्रेकफास्ट में है। Let's taste it. It's really yummy. Must try with tea. इसका जो फ्लेवर है ना गाइस, इट्स रियली डिलीशियस। चाय का इसमें है थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा इलायची एंड थोड़ा सा दैट लेमन ग्रास। उसे जो चाय की टेस्ट है ना वो नेक्स्ट लेवल हो जाती है। तो गाइस फाइनली वो घड़ी आ गई है जिस पल में मुझे यहाँ से अलविदा लेना पड़ेगा। एंड यहाँ पे देखते हैं अभी हम लोगों को क्या आगे जाके एक्सप्लोर करना है या फिर कैसे हमारी जर्नी रहेगी। बट ये यहाँ की जर्नी तो बहुत ही गाइस अमेजिंग थी। अगर आपको भी मेरी तरह इस ब्यूटीफुल से लोकेशन पे लेक के पास कैंपिंग करना है, रोमांटिक डिनर करना है या किसी के एनिवर्सरी या आप छोटे मोटे सेलिब्रेशन कर सकते हो जिसके लिए आपको कांटेक्ट करना है लेक साइड कैंपिंग बाय वाइब ग्रीन को, एंड जिसके कांटेक्ट डिटेल्स मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, सो यू कैन चेक आउट दैट। एंड अगर आपको वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। एंड अगर आपको मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कमेंट में बताना वेर आई सॉल्व योर एंड क्वेरीज योर ऑल क्वेश्चन एंड आंसर। सो मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग एंड वॉच माय वीडियोस। बाय गाइस।